हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो डिस्कस करेंगे वो है आपका 5 जनवरी 2020 का द हिंदू न्यूज़पेपर। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। तो 5 जनवरी 2020 में पहला आपका न्यूज़ ये रहा, देयर इज़ अ अटैक इन पाकिस्तान ऑन नाना साहिब। ठीक है, ननकाना साहिब। और ये ननकाना साहिब जो है ये क्या माना जाता है, इट इज़ अ बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। ठीक, तो क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं कि इस ननकाना साहिब को क्या और क्या कहते हैं। ऑल्सो नोन एज गुरुद्वारा जन्म स्थान इज द साइट वेयर द फर्स्ट गुरु ऑफ सिख गुरु नानक वॉज बॉर्न। गॉट इट। तो इस बार क्वेश्चन तो ये आ सकता है कि गुरुद्वारा ननकाना साहिब का लोकेशन क्या है, तो पाकिस्तान करेंगे या आप यहाँ देख लो थोड़ा सा नियर टू लाहौर। ठीक, और एक सर्च करना कि ननकाना साहिब पाकिस्तान के किस स्टेट में है। जैसे हमारे यहाँ 28 स्टेट है, वैसे पाकिस्तान भी डिवाइड हो रखा है स्टेट्स में, तो सर्च करना किस स्टेट्स में है। अच्छा, उसके बाद यहीं से अगर हम देखें एक और स्लाइड जो बड़ी अच्छी मिली है वो ये है। ये आपके चार प्लेसेस हैं जो कि सिख रिलीजन से रिलेटेड है। ठीक है, कह सकते हो कि उनके एक रिलीजियस प्लेसेस हैं। तो अगर हम इनको एक एक उसमें देखें, पाकिस्तान में कौन कौन सी, हसन अब्दाल या पंजा साहिब है, फिर करतारपुर दरबार साहिब है, हमारे अमृतसर में हरमिंदर साहिब है, और जहाँ पे अभी ये अटैक हुआ ननकाना साहिब। ठीक है, इसका एक और नाम क्या दे रखा है, तलवांडी राय। ठीक है, तो अब आपके एग्ज़ाम में ये आ सकता है कि आपको ये चार प्लेसेस दे दें। ठीक, और पूछें इन चार प्लेसेस में से कौन सा पाकिस्तान में है, कौन सा हिंदुस्तान में है। ठीक है, तो यहाँ से ये ध्यान रखना, ये चारों के नाम ध्यान रखना और उनकी लोकेशन। अच्छा, जो ये तीन आपके पाकिस्तान में है, कोशिश करना कि इनको सर्च करो कि पाकिस्तान के किस प्रांत में है, प्रोविंस में आपका, है ना। ये आपका देख ही रखा है बलूचिस्तान पंजाब, तो एक थोड़ा सा आपको मिल जाएगा, थोड़ा डिटेल पढ़ लेना इसका। और फिर से जब मैं रिपीट करूंगा, सिख गुरु आने के पूरे चांसेस इस बार। अच्छा, अगला ये थोड़ा सा एक स्लाइड बना रखी है मैंने गुरु नानक जी के बारे में, तो ये स्लाइड को थोड़ा सा वीडियो को स्टे पॉज करके जरा पढ़ लेना कि क्या क्या है इनके बारे में। अच्छा, अगला ये रहा, जैसे कि आपको पता है कि अभी जो ईरान के जनरल थे सोलेमानी, जिनका असैसिनेशन किया है बाई अमेरिकन्स, तो उनके ईरान के जो आपके एम्बेसडर हैं वो हमारे यहाँ हैं, तो उन्होंने साफ साफ कहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने एलिगेशन लगाया था कि हमारे भारत में जो अटैक हुआ था उसमें ये सोलेमानी का भी क्या था, हाथ था पीछे। साफ साफ उन्होंने मना किया कि ट्रंप इस मामले में बिल्कुल क्या बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। ठीक, अब देखो यहाँ से एक इंटरनेशनल क्वेश्चन या ज्योग्राफी का क्वेश्चन क्या बनेगा, ईरान के बारे में आप लोग सर्च करोगे कि ईरान जो है वो किन किन कंट्रियों से सराउंडेड है, पहला चीज़। ठीक है, ये पहला असाइनमेंट है आपके लिए। सेकंड असाइनमेंट ये है कि ईरान किस किस ओशन को या सी को टच करता है। ठीक है, सेकंड, थर्ड असाइनमेंट आपके लिए ये है कि ईरान में मेजर जो आपके इंपॉर्टेंट क्या है, रिवर्स, इंपॉर्टेंट रेंजेस और इंपॉर्टेंट वैलीज। बहुत डीप में बचाना, डीप में जाना, बहुत डीप जाने की जरूरत नहीं है, बस मेन तौर पर देख लेना। ठीक है, अगला, चिल्का में होस्ट ओवर 1 मिलियन बर्ड्स। हम सबको बताया कि इस समय हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या पढ़ रही है आपकी, विंटर्स पढ़ रहे हैं। तो होता यह है कि जितनी भी आपकी साइबेरिया या नॉर्दर्न या आर्टिक सर्किल के आसपास की जितनी भी बर्ड्स होती हैं, आर्टिक सर्किल मतलब नॉर्थ वाला जो है आपका, जितनी भी आपकी बर्ड्स होती हैं वो क्या माइग्रेट करके किधर की ओर आ जाती हैं, दे मूव टूवर्ड्स सब ट्रॉपिकल एंड ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है, तो हमारा जो इंडिया है वो का आधा पार्ट ट्रॉपिकल में आता है और आधा किस में आता है, सब ट्रॉपिकल में आता है। तो ये काफ़ी हमारे यहाँ वो आती है, माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। तो आपको एक तैयार करना है लिस्ट की, लिस्ट ऑफ प्लेसेस वेयर माइग्रेटरी बर्ड्स रीच्ड, या जो 3-4 महीनों के लिए रहती हैं। ठीक, क्योंकि एग्जाम में आता जरूर है कि जैसे चिल्का एक हमारे उत्तराखंड में देहरादून के पास, ये आपका क्या आसान बिराज, जहाँ भी काफ़ी का माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। ठीक है, अच्छा, अब यहीं से एक और क्वेश्चन, माइग्रेटरी बर्ड्स भी दो तरीके की होती हैं, एक होती है विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स और एक होती है समर माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी कि दोनों ही टाइम पर हमारे यहाँ माइग्रेशन माइग्रेटरी बर्ड्स आती हैं। ठीक, मैंने एक स्लाइड तैयार की है, इनके नाम हैं, तो ये वीडियो को पॉज करके इनके नाम पढ़ लेना आप लोग एक बार, मैं धीरे धीरे इसको कर ही रहा हूँ, और इनके नाम लिख लेना। ये सारी की सारी विंटर आपकी माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। ठीक है, ये सारी की सारी आपकी क्या है, विंटर माइग्रेटरी बर्ड्स हैं। तो इनके बार नाम पढ़ लेना, और शायद कभी कभार वो एक बार ना लोकेशन भी पूछ लेते हैं कि जैसे ये स्टारलिंग है ये कहाँ से आती है, ठीक है, ब्लैक टेल्ड है ये कहाँ से आती है, ठीक है, ब्लू थ्रॉट ये कहाँ से आती है, लॉन्ग बिल्ड पिपट ये कहाँ से आती है, तो ये देख लेना। और ऐसे ही आपकी ये क्या है, आपकी समर जो है वो माइग्रेटरी बर्ड्स है, तो इनके नाम देख लो आप, थोड़ा सा वो कर देता हूँ जूम, ये आप देख लो, नाम देख लो, इनको एक बार पढ़ लेना आप लोग।
ठीक है। अच्छा अगला बढ़ते हैं, अगला न्यूज में आपका ये रहा, जैसे हम सबको पता है कि समय बैंगलोर में क्या चल रहा है, इंडियन साइंस कांग्रेस आईएससी, ठीक है। तो उसमें जो आपके सीएन राव हैं इनको क्या मिल चुका है, भारत रत्न मिल चुका है 2013 में। तो आपको सर्च करना है कि किस फील्ड में मिला ये, मतलब साइंटिस्ट हैं तो किस फील्ड के हैं, फिजिक्स के हैं, केमिस्ट्री के हैं, बॉटनी के हैं, जूलॉजी के हैं, इन्वायरमेंटल साइंस के हैं, तो एक बार ये सर्च करना। उन्होंने बड़ा अच्छा स्टेटमेंट दिया है, नाइदर द क्वालिटी नॉर क्वान्टिटी इज इनफ ही सेज, ठीक है। तो भारत में अभी भी जो हायर रिसर्च हैं और हायर स्टडीज़ हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है, और स्टिल हम लोग जो है R&D पे बहुत कम पैसा खर्च करते हैं, ठीक है। तो देखो अभी अगर आपको ध्यान हो तो पिछली आपके न्यूज़ में शायद 3 या 4 तारीख के न्यूज़ में बताया था कि PM मोदी ने 5 जो हैं वो यंग साइंटिस्ट जो है लैब लेबॉरटरीज़ का इनाग्रेशन किया है, और मैंने उसमें भी आपको पिछले स्लाइड में बोला था कि अटल टिंकरिंग जो स्कीम है उसको एक बार पढ़ लेना। यानी कि देखो ये जो सरकार है वो कई तरीकों से चाह रही है कि जो इनोवेशन है, जो हायर स्टडीज़ में आपका क्या है हमारा पार्टिसिपेशन है वो बढ़े, ठीक है। और एक और असाइनमेंट आपके लिए है कि आपको सर्च करना है कि GDP में हमारा R&D पे कितना पैसा हम खर्च करते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ठीक। अच्छा दूसरा यहाँ अगर बगल की न्यूज़ देखो तो इसी आपका इंडियन साइंस कांग्रेस में इनको भी बुलाया गया था, एडा योनथ, ये इसराइल में है, आपकी प्रोफेसर है वहाँ की, और इनको 2009 में क्या मिल चुका है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज मिल चुका है। देखो इन्होंने एक बड़ी अच्छी चीज़ बोली जो हमारे यहाँ बड़े पहले से चल रहा था, और ये वाला जो सेक्शन मैं डिस्कस कर रहा हूँ ये आपके साइंस एंड टेक स्पेशली बायोलॉजी और जूलॉजी के अंदर आ सकता है। एक आपने वर्ड सुना होगा जो कई बार अखबारों पिछले 2-3 सालों चल रहा है, वो बोलते हैं सुपर बग। अब सुपर बग क्या होता है, सुपर बग कुछ नहीं है, आपके बैक्टीरिया जो कि एंटी रेजिस्टेंस हो जाते हैं मेडिसिन के, जो एंटीबायोटिक आप खाते, जैसे किसी ह्यूमन बींग को क्या हुआ बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ तो उस बैक्टीरिया को मारने के लिए वो क्या खाता है, एंटीबायोटिक खाता है। ऐसे बैक्टीरिया जो कि उस एंटीबायोटिक से भी ना मारे तो उसको हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, सुपर बग। अब उसका मेन रीजन जो ये बता रही है वो ये बता रही है कि लगातार क्या होता है कि जब भी आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है और आप किसके पास जाते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपको वो क्या देता है, मल्टी आपको वो देता है, एंटीबायोटिक देता है, यानी कि एक डोज में ढेर सारी अलग अलग टाइप की क्या होती है, एंटीबायोटिक होती है। अब उसका ऑब्जेक्टिव डॉक्टर क्या होता है कि यार कोई ना कोई तो बैक्टीरिया को मारेगी। तो मान लो अगर उसने 5 कॉम्बिनेशन का आपको एंटीबायोटिक दी तो उसमें से एक ने मान लो रिएक्ट किया और बैक्टीरिया को मार दिया, बाकी 4 जो एंटीबायोटिक है वो आपके पूरे शरीर में घूमती रहती है, ठीक है। और ज्यादा एंटीबायोटिक खाना भी क्या होता है, सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, ठीक। और दूसरा ये जो बैक्टीरिया होते हैं लगातार इन एंटीबायोटिक जो कि उनके जो 4 बाकी के एंटीबायोटिक थे उनके कांटेक्ट में आके आके अपने अंदर क्या पैदा कर लेते हैं, रेजिस्टेंस। अगली बार अगर कभी कोई बैक्टीरिया किसी को अटैक करेगा और ये अगर रेजिस्टेंस पैदा उसने बैक्टीरिया कर लिया तो आप कितना भी एंटीबायोटिक खा लो वो मरेंगी नहीं, ठीक है। तो वो बहुत हमारे लिए बहुत सीरियस कंडीशन हो जाएगी, ठीक। अच्छा और दूसरा इन्हीं के अकॉर्डिंग जो ये अगर रेजिस्टेंस पैदा हुआ बैक्टीरिया में अगेंस्ट दी एंटीबायोटिक तो इसका इकोनॉमिकल इफेक्ट भी बहुत बुरा पड़ने वाला है। क्यों भाई, सिंपल देखो ये जैसे ये वर्ड अगर दिखाया दिस में रिजल्ट इन अ 3.8% लॉस इन ग्लोबल इकोनॉमी बाय 2050। अगर ये लगातार हमने ये ट्रेंड रखा कि हमने मल्टी जो कॉम्बो है आपका एंटीबायोटिक का वो देना जारी रखा, तो ये कह रही है कि आप पहले क्या करिए कि जो इन्फेक्शन इंसान को जिस बैक्टीरिया से हुआ है उसको पहले वो करो, आइडेंटिफाई करो स्पेसिफिक ड्रग्स उसके लिए, तो ये नहीं कि आपने कॉम्बो दे दिया, ठीक। तो यहाँ से हमें वर्ड क्या मिल गया, सुपर बग मिल गया, एंटीबायोटिक क्या होता है, और एक और चीज़ समझ लो आप कि ये स्पेशल नॉन साइंस वालों के लिए कि जो एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया को मारती कैसे। जब आप एंटीबायोटिक खाते हैं तो बैक्टीरिया के चारों ओर सेल वॉल होती है, तो ये एंटीबायोटिक क्या करता है, उस सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देता है, जिसकी वजह से पूरा स्ट्रक्चर बैक्टीरिया का खत्म हो जाता है और वो बैक्टीरिया मर जाता है, ठीक है। तो ये रट्टा मार लिया कि एंटीबायोटिक किसको, किस बैक्टीरिया के किस पार्ट को खत्म करता है, सेल वॉल को। अच्छा अगला आपका ये ऑस्ट्रेलिया, आपको पता ही ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि अगर मैं बोलूं कि इस समय सदर्न हेमिस्फीयर में क्या चल रहे हैं, इस समय आपके समर चल रहे हैं, ठीक है। और उस समर की वजह से वहाँ बहुत गर्मियाँ पड़ रही हैं और इस समय ऑस्ट्रेलिया में क्या लगी हुई है, फॉरेस्ट फायर लगी हुई है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ऑस्ट्रेलिया के किस किस स्टेट में या प्रोविंस में आपकी फायर लगी हुई है। तो देखो यहाँ कहाँ लगी, सबसे ज़्यादा लगी आपकी न्यू साउथ वेल्स में, फिर उसके बाद विक्टोरिया उनका एक प्रोविंस है वहाँ लगी है, और थोड़ा सा आपका बॉर्डर का जो एरिया है कहाँ, क्वींसलैंड में वहाँ पर, ठीक। और आप रोज ही देख रहे हो कि लगातार जानवरों के मरने की या जलने की खबरें भी आ रही हैं, तो उसकी वजह क्या है, आपका ये जो न्यू साउथ वेल्स है वहाँ पे ये पार्क है वोलमी नेशनल पार्क वहाँ पर। तो अब देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि वोलमी नेशनल पार्क किस देश में, तो सिंपल ऑस्ट्रेलिया में, यहाँ से पता चल गया आपको। या अगर उसने प्रोविंस या स्टेट पूछ लिया वोलमी नेशनल पार्क का तो आप क्या करोगे, न्यू साउथ वेल्स। अच्छा सबको पता है ना कि ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल क्या है, आपकी कैनबरा।
अब ये जो सिडनी है, मेलबर्न है, सुना होगा कई बार सिडनी टेस्ट, मेलबर्न टेस्ट, ये असल में क्या है, उनकी फेमस सिटीज जैसे हमारी क्या हो गई, मुंबई हो गई, बैंगलोर हो गया, चेन्नई हो गया, उस तरीके से। ठीक, अच्छा अगला ये वाला जो पार्ट है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वाई हैज द यूएस क्रिपल्ड द फंक्शनिंग ऑफ द डब्ल्यूटीओ। डब्ल्यूटीओ में हमेशा एलिगेशन लगा है, और खासतौर पर हम जैसी डेवलपिंग कंट्री लगाया है, कि हमेशा ये किसका एक पक्ष या एक ज्यादा साथ किसका देते हैं, अमेरिका का देते हैं। ठीक है, तो ये आर्टिकल जो है द हिंदू का आपका है 5 जनवरी 2020 का, तो वहां से आप ये ले सकते हो। ये आर्टिकल मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, और ये दूसरा आर्टिकल ये भी मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमारे यहाँ माल न्यूट्रिशन लगातार क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ये बहुत, देखो ये खुद WHO ने बोला है कि नीड फॉर अर्जेंट पॉलिसी एक्शन। ठीक है, तो हमारा बड़ा अजीब सा है, हमारे यहाँ ओवरवेट भी हो रहा है, ओबिसिटी भी हो रहा है, और नॉन कम्युनिकेबल डिजीज भी बढ़ रही है, और साथ ही साथ ये माल न्यूट्रिशन भी बढ़ रहा है। मतलब कि अनइक्वल हमारे क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम है। ठीक है, ये भी द हिंदू का आपका आर्टिकल है, इसको पढ़ लेना, मेंस के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना रखते हैं। तो आज हमने किया क्या, 5 जनवरी 2020 का द हिंदू। अब हम फिर मिलेंगे अगली खबर के साथ, अगले दिन के न्यूज़ के साथ। ठीक है, और जो प्लीज़ असाइनमेंट आपको दे रखे हैं वो आप लोग कर लेना।